हाँ बलदाम भाई नमस्कार। नमस्ते भैया। मनोज पटेल बुरहानपुर जिले के हिंगना रैयत गांव से बोल रहा हूँ भाई। ओके। ये बगीचा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सलाह लेना चाह रहा था जी। 5,800 खोड़ लगाए हुए है। ओके। वो प्योर काली की जमीन थी, इसमें हमने बगीचा लगाने के पहले 350 ट्राली पीली मिट्टी डाली है। अच्छा, अभी फिलहाल किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, इसमें कुछ कमी है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये इसलिए आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ मैं, थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें जी। इसमें जो 2 जुलाई 2019 को ये बगीचा लगा है और इसमें अभी कम से कम 700 से 800 खोड़ों में एन हो गई है और इसके अंदर जो है पेदड़ वगैरह जो है वो तना अपना नीचे से जो तना है वो 36 से 38 इंच तक है, कई कई 40 भी है। बहुत बढ़िया दिख नहीं रहा जो पत्ते वगैरह जो है 12-13 पत्ते ऊपर हरे आ रहे हैं। बराबर, थोड़ा आप देख करके इसमें बताएं कि कुछ कमी बेसी है या क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन की उत्पादन। ब्रदर, कमी बेसी बहुत ज्यादा है, मैं 2-3 चीजें बतलाता हूँ आपको। रहे है जैसा अभी मुझे पत्ता दिखा, ये जो पत्ता है ना ब्रदर, ये टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा कमी है, गड़बड़ है। दूसरा और चीज़ एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ड्रिप बीच में डाल रखी है ना, ये भी गड़बड़ है। ड्रिप होना चाहिए आपके पौधे के पास, अगर ड्रिप से पानी दे रहे हैं, फ्लड से पानी दे रहे हो तो बीच में देना चाहिए, क्योंकि वो पूरा फैलता है और ड्रिप का पानी गहरा जाता है, ये गड़बड़ है। इसके कारण क्या हो रहा है, आपके ये पत्ते पीले होकर सूख रहे हैं। देखो मैं जहाँ डॉट बना रहा हूँ, अभी आपका प्ले करता हूँ, उसमें समझ में आएगा। 36 से 38 इंच तक है, कई कई 40 भी है। ये जो पत्ता सूखा ना, ये अभी इतनी धूप आ रही उसके बाद में ये पीला हो गया है, ये सूखने को नहीं चाहिए था। इतना अंदर लाइट आ रहा है उसके बाद में इसमें ये मुंह से जाना चालू हो गया है, 2-3 गड़बड़ियाँ मित्र। खैर, अभी तत्काल में आप रिपेयर नहीं कर पाओगे कभी भी, आगे भविष्य में ध्यान रखना है। ड्रिप की खेती हो तो तने के पास ड्रिप को लगा के रखना है, वहीं फर्टिगेशन एरीगेशन सब करना है। फ्लड की खेती हो तो पट्टे पे पानी देना है। दूसरा, आपने जो पत्ते काट दिए हैं, अभी अप्रैल चालू हो गया है, आज 1 अप्रैल है, अभी अंदर गर्म हवाएं आना चालू होगी, अभी तो आपकी फ्लावरिंग आ रही है, तने को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तने को गर्म लू लगेगी तो गिरपड़ होगी, जब माल भरेगा मई लास्ट में आपके पौधे टूटकर गिरेंगे, ये गड़बड़ होगी। आगे पत्ते कोशिश करो कोई भी मत काटो पूरी गर्मी। पत्ते काटने का केले में एक ही समय होता है, वह समय होता है 15 जून के आगे पीछे, क्योंकि बारिश आती है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, जलगांव जिला जो है या बुरहानपुर है, यहाँ पर जुलाई 1 में। 2-3 चीज़ों की गड़बड़ी है। अभी आपको फर्टिगेशन में एक चीज़ का ध्यान रखो, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, तीनों चीज़ चलाना है। चलाना कैसे कॉम्बिनेशन में है, नाइट्रोजन अगर 1 दे रहे हो तो फास्फोरस भी 1 देना है और पोटेशियम को 3 गुना देना है, इस कॉम्बिनेशन में आप चलाइए। मैग्नीशियम, आपकी काली सॉइल है तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपने पीली मिट्टी डाल रखी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन किसान मित्रों को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपके पास जो मिट्टी हो, अगर ड्रिप इरिगेशन है तो उसमें वैसे ही खेती करो। पीली मिट्टी डालना चाहिए, फ़ायदा करती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर पहले ध्यान देना है, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, फिर फर्टिगेशन, फिर मिट्टी भरना, बहुत लास्ट में आता है। क्योंकि कुछ मित्र कहीं पर ऐसा सबको लग रहा है कि काली मिट्टी में केला होगा ही नहीं, रवि जाट का आप वीडियो देखेंगे मित्रों, 10 से 12 फीट गहरी काली मिट्टी है, मेरे नाना जी कहते थे वहाँ आदमी को गाड़ दो तो आदमी ऊँग आएगा, इतनी काली मिट्टी है, बहुत ही प्रीमियम काली, वहाँ पर केला 1 नंबर बना है, कोई पीली मिट्टी डाली नहीं। क्या होता है, छोटे किसान जो रहते हैं उनको ऐसा लगता है यार कि पीली मिट्टी डालना ही पड़ेगा नहीं तो मेरा केला नहीं बनेगा, उसका केला दूसरी वजह से नहीं बनता है, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल, उसके दिमाग में बैठ जाता है मिट्टी डालना नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, किसानों का खर्चा अननेसेसरी बढ़ जाता है, आपका भी खर्चा पीली मिट्टी में जबरन किया,
रिजल्ट उसका आएगा, लेकिन बहुत सारी गलतियां गड़बड़ियां दिख रही ना, पत्ता काटना, वाटर मैनेजमेंट। आपका कैलकुलेशन अच्छा है, पौधे की हाइट हेल्थ अच्छी है, लेकिन ये दो तीन चीज़ों को सुधार लेंगे और सोने पे सुहागा होगा। जैसे कहते हैं ना, सोना है उसमें सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी फील्ड आज की तारीख में एकदम बढ़िया है। आगे थोड़ा सा ये संभालना है कि बंच निकले तो डंडे टूट फूट ना हो। मैंने तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताया, फ्लावरिंग आते समय थोड़ा ज़ोर से फ्लावरिंग रहेगा, उस समय जितना आपका पोटाश जाएगा उसमें 20% कैल्शियम नाइट्रेट देना है और नाइट्रोजन को कम करना है। फ्लावरिंग जैसे स्पीड से आना चालू हो। ब्रदर बहुत अच्छा लगा आपने मेरे से गाइडलाइन ली, थैंक यू।